गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गाला मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम आज विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको कौन कौन सी स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी आपको होती क्यों है और आप कैसे इस कमी को पूरा कर सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि हेल्दी स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स पे डिपेंड करती है जिनमें से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मोस्टली जितने भी आपको स्किन और हेयर रिलेटेड सप्लीमेंट्स मिलेंगे उसमें आपको विटामिन B12 जरूर से मिलेगा। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, एक्ने, एक्जिमा जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। विटामिन B12 सिर्फ आपकी स्किन और बालों के लिए ही नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन और बालों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो आज की वीडियो में बताऊंगी। विटामिन B12 आपकी बॉडी में फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में हेल्दी ऑक्सीजन रिच रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी स्किन में कई सारे स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, स्किन रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, एक्ने एंड एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बावजूद भी आपको अपनी स्किन पे एक्ने, एक्जिमा, डिस्कलरेशन, रफनेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो इसका एक कारण विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। इसके ऑपोजिट अगर आपके सिस्टम में विटामिन B12 सही मात्रा में है तो ये आपकी स्किन में डार्क स्पॉट डिस्कलरेशन को रिड्यूस करने और आपको एक हेल्दी रेडिएंट स्किन देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालों के बारे में। हमारे बाल कैरेटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं जो कि एक डेड सब्सटेंस है। इसी वजह से जब आप बाल कट करते हैं तो आपको पेन नहीं होता, लेकिन आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं और उसमें जो ग्रोथ सेल्स हैं वो अलाइव होती हैं और आपके बालों की हेयर ग्रोथ ग्रोथ सेल्स पे डिपेंड करती हैं। उन ग्रोथ सेल्स को जरूरत होती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की। वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स उन सेल्स को मिलता है ऑक्सीजन रिच रेड ब्लड सेल्स की हेल्प से। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो सबसे पहले रुक जाएगी। एक बार आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, उसके बाद आपको कई सारी स्कैल्प इन्फेक्शन एंड स्कैल्प कंडीशन भी फेस करनी पड़ सकती है जैसे कि फ्लेकीनेस, हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन और भी बहुत कुछ। इसीलिए विटामिन B12 डायरेक्टली आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग से अटैच होता है। तो इसीलिए हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर के लिए आपकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में विटामिन B12 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट प्रॉब्लम ये है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। अनलाइक अदर न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी विटामिन B12 खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। विटामिन B12 के लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से आप जो खाना खाते हैं उस पर डिपेंड होती है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होना काफी ज्यादा रेयर होगा क्योंकि विटामिन B12 आपको फिश, मीट एंड एग्स में मिलता है। तो जनरली जो लोग वीगन एंड वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन एंड बीमारियों में भी विटामिन B12 की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। तो ये तीन मेन रीजन है विटामिन B12 की कमी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन B12 आपको फिश, मीट एंड एग्स में मिलती है, तो इसीलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये चीजें रेगुलर बेसिस पे अगर आप लेंगे तो आपकी विटामिन B12 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके सिस्टम में विटामिन B12 का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आपकी जो स्किन है उसमें आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वीगन है, वेजिटेरियन है, तो आप अपनी डाइट में पनीर, टोफू, दूध जो डेयरी वाले प्रोडक्ट हैं
उनकी मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे फूड हैं जिससे आप अपनी बॉडी में विटामिन B12 के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ सप्लीमेंट्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे सस्ते सप्लीमेंट्स के लिंक मिल जाएंगे। उसमें से सबसे ऊपर मैं रखना चाहूंगी सुप्राडिन को। सुप्राडिन सबसे सस्ती मल्टीविटामिन टैबलेट है जो आपको किसी भी लोकल मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो अमेजोन से भी सुप्राडिन खरीद सकते हैं। आपको ओजिवा के हेयर विटामिन एंड स्किन विटामिन में भी विटामिन B12 मिलता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी सप्लीमेंट एक अच्छी सेफ ब्रांड का अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।